श्री सद्गुरु महाराज की जय। कर्म से मनुष्य की पहचान होती है, कुल गोत्र से नहीं। अभय कुमार को जंगल में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ मिला। वह शिशु को घर ले आया और उसका नाम जीवक रखा। अभय कुमार ने उसे यथा योग्य शिक्षा प्रदान की। जब जीवक बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि अभय कुमार उसके असली पिता नहीं है और उसे संभवतया लोकाचार के भय से जंगल में छोड़ दिया गया था। यह जानकर कि वह कुलहीन है, जीवक का हृदय ग्लानि से भर गया। उसने अपना विषाद अभय कुमार के सम्मुख रखा। अभय कुमार ने उसे यह भूलकर तक्षशिला जाने को तथा श्रेष्ठतम विद्या अर्जित करने को प्रेरित किया। जीवक के तक्षशिला पहुंचने पर उससे प्रवेश के समय कुल गोत्र संबंधित प्रश्न पूछे गए तो उसने स्पष्ट रूप से सत्य बता दिया। प्रवेश लेने वाले आचार्य ने जीवक की अस्पष्टवादिता से प्रसन्न होकर उसे प्रवेश दे दिया। जीवक ने कठोर परिश्रम द्वारा तक्षशिला विश्वविद्यालय से आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उसके आचार्य ने उसे मगध जाकर लोगों की सेवा करने का निर्देश दिया। जीवक ने उत्तर दिया, आचार्य, मगध राज्य की राजधानी है, सभी कुलीन लोग वहां निवास करते हैं, क्या वे मुझ जैसे कुलहीन से अपनी चिकित्सा करवाना स्वीकार करेंगे? मुझे आशंका है कि कहीं मुझे अपमान का सामना न करना पड़े। जीवक के गुरु ने उत्तर दिया, वत्स, आज से तुम्हारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और ज्ञान ही तुम्हारे कुल गोत्र हैं। तुम जहां भी जाओगे अपने इन्हीं गुणों के कारण सम्मान के भागीदार बनोगे। कर्म से मनुष्य की पहचान होती है, कुल गोत्र से नहीं। सेवा ही तुम्हारा धर्म है। जीवक की आत्महीनता दूर हो गई और उसने सेवा भाव से वह प्रसिद्ध चिकित्सक बना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश, दिसंबर 2020।